सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 11 में रहने वाले 60 वर्षीय कैलाश लोहार ने खराब दिमागी हालत के चलते सुसाइड कर लिया है। मृतक के पुत्र सुनील ने बताया कि मेरे पिताजी रोज की तरह प्लॉट को संभालने के लिए दोपहर में गए थे। दोपहर करीब 2:30 बजे जब मैं प्लॉट पर पहुंचा तो पाया कि कमरा अंदर से बंद था। खिड़की तोड़कर देखा तो पिताजी फांसी पर झूल रहे थे। प्रथम दृष्टया सुसाइड का कारण खराब दिमागी हालत बताया जा रहा है। पुलिस थाने के ASI तनसुख नैणमय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्णकार पवन बिजाने की मदद से शव को नीचे उतरवाकर राजकीय बगड़े अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। ASI तनसुख नैण ने बताया कि मृतक के पुत्र सुनील ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसके पिता कैलाश पुत्र मांगीलाल मोयल मानसिक रूप से बीमार थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक कैलाश मोयल के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली है कि कोई कैलाश लोहार है, इसने को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं काफ़ी दिनों से। उसने अपने नोरा बना उसमें खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इसकी लाश को उतराया जाकर हॉस्पिटल भेजाया गया है। आगे परिवारजनों द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।